दोस्तों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझ लेना है, डिटर्मिनेंट, वो भी स्पेशली ऑफ ऑर्डर टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। क्योंकि इस मेथड से, इस डिटर्मिनेंट का यूज करके एक नए मेथड से हमें लीनियर इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले काफी नए वीडियोस का अपडेशन आपको मिलता रहेगा। इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों अभी हमें समझ लेना है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, किसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। आपके टेक्स्टबुक में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये जो चैप्टर है इसमें इस डिटर्मिनेंट के बारे में काफी शॉर्टकट में कहा गया है। हम आपको थोड़ा विस्तार में बताएंगे ताकि आपको डिटेल में ये बात ध्यान में आ जाएगी और आगे चल के आपके बहुत काम आएंगे। लेट द टू इक्वेशंस ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो c इज नॉट इक्वल टू जीरो बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन यह है कि x के जो कोएफिशिएंट्स है a और c ये नॉन जीरो है और इन दो इक्वेशंस को सेम वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी इन दो इक्वेशंस के लिए x की वैल्यू कॉमन है। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। इस तरह के इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अभी अगर हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो तो उसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। अभी हमें x के दो वैल्यूज यहाँ पे मिले हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू मिल गई है माइनस डी अपॉन ए और सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू है माइनस डी अपॉन सी। इन दो वैल्यूज को अभी हम इक्वेट करेंगे, सो इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी गेट माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। अगर दोनों साइड हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन निकल जाएगा और हमें मिलेगा डी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी बी इंटू सी बी सी इज इक्वल टू राइट साइड में ए इंटू डी AD। अभी अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन AD माइनस BC इज इक्वल टू जीरो। दिस एक्सप्रेशन AD माइनस BC इज कॉल्ड एलिमिनेंट फॉर द इक्वेशंस AX प्लस B इज इक्वल टू जीरो एंड CX प्लस D इज इक्वल टू जीरो। इन दो इक्वेशंस का इसे एलिमिनेंट कहते हैं। This eliminant AD minus BC can be written in the form as, देखिए दोस्तों ये जो एलिमिनेंट है AD minus BC इसे हम कॉलम और रोज के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो स्ट्रेट लाइन्स है और उनके बीच में हमने लिखा है, फर्स्ट रो है जिसमें है A और B एंड सेकेंड रो में है C और D। इन शॉर्ट अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट आएगा AD और सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट आएगा BC, दैट्स व्हाई AD माइनस BC। तो ये है डिटर्मिनेंट जिसकी ऑर्डर है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स है।
इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन के बीच में चार एलिमेंट्स को इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है ए बी सी डी, जहां पे इनके डायगोनल के प्रोडक्ट्स का अगर सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं ए डी माइनस बी सी, तो ये है डिटर्मिनेंट, और ए डी माइनस बी सी ये है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट।